बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम आपको कक्षा सात में विषय नागरिक शास्त्र और अध्याय दो मौलिक अधिकार कर्तव्य तथा नीति निर्देशक सिद्धांत, इसके बारे में हम आपको पिछले क्लास में मौलिक अधिकारों के बारे में बता चुके हैं। तो मौलिक अधिकार हमको जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ तो हमें सात मौलिक अधिकार दिए गए, जिनमें से 1978 में एक मौलिक अधिकार को वैधानिक अधिकार की श्रेणी में ला दिया गया और वह था संपत्ति का अधिकार। तो इस समय हमारे पास केवल 6 मौलिक अधिकार बचे हुए हैं। अब जैसे हमको मौलिक अधिकारों की आवश्यकता है, वैसे ही किसी भी देश की उन्नति और विकास के लिए व्यक्ति को मौलिक अधिकारों की आवश्यकता पड़ती है, जो उसके विशेषाधिकार होते हैं। तो उसी तरह उनके कुछ कर्तव्य भी होते हैं। पहले संविधान में मौलिक अधिकार तो थे, लेकिन मौलिक कर्तव्य नहीं थे। मौलिक अधिकार जो है वो दीवानी और फौजदारी के हिसाब से निर्वहन किए जाते थे। मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर इनमें से कोई भी एक नहीं है तो वो सिक्का बेकार है, यानी वह देश बेकार है। वहां उस देश की उन्नति और प्रगति नहीं हो सकती है। इसलिए हमें अगर मौलिक अधिकार मिले हुए हैं तो हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य भी हैं, जिनका हमें पालन करना चाहिए। तो मौलिक कर्तव्य बयालीसवें संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए और ये निम्नलिखित मौलिक कर्तव्य ठीक है। नंबर एक, प्रत्येक नागरिक को देश की संप्रभुता अखंडता बनाए रखना चाहिए। नंबर दो, राष्ट्रीय स्वतंत्रता व संघर्ष को प्रेरित करने वाले आदर्शों का अनुकरण करना चाहिए, जिस जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराया है, हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने में संघर्ष किया है, उनके आदर्शों का पालन करना चाहिए, उन व्यक्तियों को सम्मान देना चाहिए। नंबर दो हो गया। नंबर तीन, देश के प्रत्येक नागरिक को संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। देश का चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसे अपने देश के राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज और संविधान का सम्मान करना चाहिए। नंबर चार, सभी नागरिकों के अंदर मानवीयता, सुधार प्रवृत्ति एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना चाहिए। नंबर पांच,
नागरिकों से आशा की जाती है कि देश की रक्षा की जब जरूरत पड़े तो वह राष्ट्र सेवा का कार्य करे। नंबर 6, प्रत्येक नागरिक को पर्यावरण और देश की जो संपत्ति है उसको बचाने की कोशिश करना चाहिए। देश 18 नंबर, देश में भाईचारा और प्रेम बना रहे इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को उस पद पर बढ़ते रहना चाहिए। नंबर 8, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना चाहिए, उसे कोई नुकसान ना पहुंचा पाए, इससे देश की उन्नति होगी। नंबर 9, व्यक्तिगत एवं सामूहिक कार्य व्यवहार से सभी नागरिकों को उत्कृष्टता प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे देश की निरंतर उन्नति होती रहे और उपलब्धियों की भी प्राप्ति हो सके। नंबर 9 ये हो गया। नंबर दस, संस्कृत और संस्कृत तथा उसकी समृद्ध विरासत को सुरक्षित रखने के लिए नागरिकों का कर्तव्य है कि उसे नुकसान ना पहुंचाया जाए, उसे नुकसान ना पहुंचाए। तो ये हमारे 10 मौलिक कर्तव्य दिए हैं। मौलिक कर्तव्य 10 मौलिक कर्तव्य हो गए और अब आपको इसी में नीति निर्देशक सिद्धांतों इनके बारे में भी मौलिक अधिकार हो गए, मौलिक कर्तव्य हो गया, नीति निर्देशक सिद्धांतों का महत्व क्या है, इन सिद्धांतों का हमारे भारतीय जीवन में, भारतीय नागरिक के जीवन में क्या महत्व है। संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का भी एक कारण है। जो ये नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में शामिल किए गए इनका भी एक कारण है। संविधान निर्माता भारत के कल्याणकारी राज्य की स्थापना के पक्ष में थे। उनका ऐसा मानना था कि भारत का जो संविधान बने वो कल्याणकारी बने, सभी का कल्याण करने वाला हो, किसी जात विशेष वर्ग धर्म से मतलब नहीं था। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अनेक सुधार जरूरी थे। तो जहाँ पर बहुत से अलग अलग विचारधाराओं, धर्म और जात के लोग होते हैं तो वहाँ पर ज्यादा सुधार की जरूरत होती है। ये सुधार धीरे धीरे ही किए जा सकते थे। एक साथ अगर किसी के ऊपर कोई वर्णन डाल दोगे तो वो विचलित हो जाएगा। तो जो भी सुधार होते हैं वो धीरे धीरे ही किए जाते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांतों को इसी कारण न्यायिक रूप से बाध्य नहीं किया गया, इसीलिए ऐसे सिद्धांत है, ऐसे रूल हैं जिसमें से मुकदमा नहीं दर्ज हो सकता, बाध्य नहीं किया गया है किसी तरह से। अतः इन्हें संविधान में सरकार को दिशा निर्देश देने के लिए ही स्थान दिया गया। ये ऐसे सिद्धांत हैं जो सरकार को दिशा निर्देश देने के लिए ही है। तो आज के लिए इतना ही काफी है और नेक्स्ट टाइम आपको अगला प्रश्न दिखाई देंगे। थैंक यू।